हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र हियर। दिस इज आनंदम, किशन आनंदम। हम फाइनल पार्ट की तरफ बढ़ चुके हैं और लास्ट में है पार्ट एट, यानी फाइनल पार्ट आपका है आज, फाइनल पार्ट एट। इससे पहले हमने सब टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, बस लास्ट पार्ट, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसको आज क्लियर कर ही लेंगे। तो लास्ट टॉपिक क्या है पहले अपने माइंड में ये जानो, ये क्या है? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम इस टॉपिक और इस वीडियो में पढ़ेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग हैं। देखो मैं इस बता दूं, बहुत ईजी में तुम लोगों को समझ में आएगा। यहाँ जो ये जो टॉपिक है बहुत ईजी है, और इतना मैं बता दूं कि जो तुमने जो सिक्स क्लास में पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, वही है, सेम वही है। तुमको कुछ न्यू टर्म्स दिए जाएंगे और कुछ नहीं है। एक बार अगर पढ़ लोगे तो बहुत ईजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली समझो तो, अगर ऑर्गेंस ऑफ गवर्नमेंट को ही हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को ऑर्गेंस ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। अब देखो इसका अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, देखो, पावर इज शेयर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेंस ऑफ लेवल में पावर डिवाइड हो जाता है, शेयर हो जाता है, उसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं। तो देखो ऑर्गेंस ऑफ गवर्नमेंट इसके लिए समझना जरूरी होगा, तुमने सिक्स क्लास में पढ़ा है बट वी हैव डोंट रिकॉल, तुम्हें भूल गए होगे, तो यहाँ मैं रिकॉल कराने के लिए मैंने यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है। देखो ऑर्गेंस ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी, थ्री होते हैं, थ्री होते हैं। यहाँ देखो थ्री, पहला लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का वर्क क्या होता है, मेकिंग इन लॉज, उसका कानून बनाना। एक्सिक्यूटिव का इंप्लीमेंट द लॉ, एंड जुडिशियरी सेटल द डिस्प्यूट्स, यानी कानून बन कराएंगे उसको पालन किया जाएगा, अगर उससे कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो उसके लिए जुडिशियरी है। अगर मैं बात करूँ तीनों की टॉपिक, तो ये टॉपिक एक सिंपल टॉपिक नहीं है, अलग अलग एक तरह से चैप्टर इन्हें समझो, अगर इन्हें पढ़ना है तुम्हें तो इनका अलग अलग चैप्टर आता है, बहुत डिटेल में आता है जो पढ़ना रहता है। लेकिन तुम्हारे माइंड को मैं बता दूँ एक तरह से कि इनको इतना समझ लो कि ये इनका वर्क ये होता है बस, क्योंकि इलेवेंथ में तुमको ये सब मिलेंगे, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ओके तो यहाँ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कंप्लीट हुआ। पावर क्या होता है, ऑर्गेंस ऑफ लेवल के गवर्नमेंट में डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं। इसमें एक टर्म आएगा तुमको चेक एंड बैलेंस का। चेक एंड बैलेंस देखो क्या होता है, बहुत ईजी है, पूछा जाता है डिफिनेशन के तौर पर इससे पूछा जाता है। तो चेक एंड बैलेंस समझते हैं क्या होता है। चेक एंड बैलेंस होता है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एक्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एक्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। यानी जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एक्जीक्यूटिव, सही बात है, जो जजेस होगा वो अपॉइंटेड होता है एक एक्जीक्यूटिव के थ्रू। जजेस हम डायरेक्टली अपॉइंट नहीं कर देते, अगर आपको फील करोगे आपको जज बनना है जज, तो आप क्या करोगे, आप एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, तो आप उसको क्वालिफाई करोगे, तो आपको जो होगा अपॉइंट किया जाएगा एज अ जज। इसके भी कुछ प्रोसीजर होते हैं, आपको मैं फाइनली आपको बता दे रहा हूँ कि अगर जजेस बनना है तो क्या करना होगा, एग्जाम क्वालिफाई करना होगा तभी हम जज बनेंगे। तो बाद में अगर मैं क्या होता है, एक्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, तो दे कैन चेक द फंक्शनिंग, जो एक्जीक्यूटिव होते हैं, जो जजेस होते हैं, वो क्या करते हैं, लॉज जो बने हैं लेजिस्लेचर से, वो क्या होता है, उसको देखते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, यानी चेक करते रहते हैं कि ये सही जा रहा है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है हमारे सोसाइटी में इसको लेकर, या इसका वायलेंस हो रहा है, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो उसको लेकर वो क्या करते हैं, एक्जीक्यूटिव फंक्शनिंग करते हैं आपके लॉ के जो लेजिस्लेचर के थ्रू बने होते हैं। और लेजिस्लेचर कहाँ, यहाँ है, ओके, ऑर्गेंस ऑफ गवर्नमेंट में। तो उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस बोलते हैं। यानी चेक एंड बैलेंस को सिंपली बोल सकते हो, इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेंस ऑफ गवर्नमेंट, या इट इज रिलेटेड टू एक्जीक्यूटिव, ओनली एक्जीक्यूटिव से पूरा रिलेटेड है। यानी इसमें तुम देख सकते हो एक्जीक्यूटिव का ही फंक्शनिंग है, वर्क है। ओके तो यहां तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी चेक एंड बैलेंस क्या है। सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कंप्लीट हुआ, आते हैं वर्टिकल के बाद। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग को फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। क्यों बोलते हैं, अभी बताता हूं क्यों बोलते हैं। देखो पावर कैन बी शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, कुछ नहीं है यार, सब सिक्स वाला बता रहा है, यहां कोई नया नहीं है, समझ में आ रहा है ना, बस नाम चेंज है। देखो नाम चेंजेज है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो यहां क्या हो रहा है, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट लेवल्स मतलब सेंट्रल, स्टेट, लोकल सेल, ये तुम्हें पता होगा। देखो इनका भी अलग अलग होता है, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पढ़ा जाता है एक अलग अलग, मैंने बताया ये सब अलग अलग टॉपिक होगा तुमको। ओके तो यहाँ उतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है, बस तुम्हें बता दूं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर, कोई भी तुम देख लोगे कि हाँ किसी कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल सेल गवर्नमेंट, तो तुम वहाँ आंख बंद करके बोल दो कि दैट इज अ वर्टिकल पावर शेयरिंग। ओके तो ये हुआ वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब नीचे आते हैं, कुछ दो पॉइंट लिखे हैं, दो पॉइंट मैंने लिखा है। देखो दो पॉइंट को समझना जरूरी है, दो पॉइंट तुम्हारे लिए कुछ न्यू है, यहाँ कंप्लीट, ये कंप्लीट, इसको दोबारा मैं रिकॉल नहीं करता,
तुम अच्छे से एक बार लिख कर कर लेना, एक बार टेक्स्ट रीड करना, बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो पॉइंट पे चलता हूं। पावर में ऑल्सो शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियंस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। देखो क्या है? देख, अगर पावर हम सोशल ग्रुप में शेयर करते हैं, सोशल ग्रुप हमने अभी बेल्जियम पढ़ा, देखो सोशल ग्रुप का नाम लो तो तुम्हें बेल्जियम याद आ जाना चाहिए, बेल्जियम की याद आ जाए, क्योंकि बेल्जियम में क्या था, सोशल ग्रुप था, सोशल ग्रुप था, वहां एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है, पॉइंट में बोल रहा है कि अगर पावर हम सोशल ग्रुप के तहत क्या करते हैं, एक तरह से शेयर करते हैं, और सच एज अगर रिलीजन्स को लेकर, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को लेकर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके एक तरह से सोशल कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोल सकते हो, कम्युनिटी गवर्नमेंट सिंपली इसका एग्जांपल है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी सिंपली पॉइंट कहना चाहता है कि जब पावर हम क्या करते हैं सोशल ग्रुप में शेयर करते हैं, वो भी एक तरह से क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। क्या है वो, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, माइंड में याद रखो, वो भी क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, चाहे रिलीजन्स को लेकर हम दें या लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब भाषा पे, अगर इसकी देखो इसकी डिटेल में बात करूंगा फेडरलिज्म में, फेडरलिज्म में इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे भी। ओके, तो लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर अगर बटे हुए हैं हम लोग, तो वो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं। तो अगर इसका मैं एग्जांपल कहूँ तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, एक एग्जांपल है बेल्जियम में, जो रिलीजियस सोशल ग्रुप्स को लेकर क्या गया था, पावर शेयर किया गया था। ओके, यानी इस पॉइंट में कुछ नहीं, इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो सोशल ग्रुप क्या पावर, ये भी पावर एक तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोशल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। माइंड क्लियर, यस या नो, कंप्लीट है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पोलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस इन पावर। देखो बहुत ईजी है, देखो पावर जो शेयरिंग है, अब तो पहला सोशल ग्रुप हम लोग जान लिए, सोशल ग्रुप में शेयर किया जाता है, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा पोलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में शेयर किया जाता है, प्रेशर ग्रुप्स के फॉर्म में किया जाता है, और मूवमेंट इसके आगे क्या बोला है, मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, यानी यही जो है क्या करते हैं, मूवमेंट को कंट्रोल भी कर देते हैं या बढ़ावा भी दे देते हैं, बहुत उत्तेजित भी कर देते हैं किसी इवेंट को लेकर, वायलेंट कर देते हैं, और कभी बहुत डाउन भी कर देते हैं। तो देखो यहाँ मैं समझने वाली बात है तुमको, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप, ये दोनों समझाने के लिए देखो मैं, ये तो तुम पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर, जो पॉलिटिकल पार्टीज तुमको टेंथ में है वो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे जो प्रेशर ग्रुप है ये नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जो पॉपुलर स्ट्रगल एक चैप्टर है तुम्हारा, वो डिलीट कर दिया गया, वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, वो तुम पढ़ोगे नहीं, और वो जब तुम पढ़ोगे नहीं तो ये जो पॉइंट है उसको क्लियर नहीं करोगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ देखो दो चार्ट बना दिया है, डिफरेंसेस कर दिए हैं, जिससे तुमको प्रेशर और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। ओके, यहाँ देखो, कंसंट्रेट यहाँ करो, प्रेशर ग्रुप क्या होता है, प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, डू नॉट इंजॉय पावर डायरेक्टली, प्रेशर ग्रुप पावर को डायरेक्टली इंजॉय नहीं करते हैं। ओके, डायरेक्टली इंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो डायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली मतलब समझ में आया, गवर्नमेंट में आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप गवर्नमेंट में नहीं आते हैं। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? ये बाहर ही बाहर क्या करते हैं, एक तरह से अपना पावर को शो करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वहां आके पावर शो करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। याद रखना, प्रेशर ग्रुप कभी भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करती, इलेक्शन में शामिल नहीं होती है, पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इलेक्शन में शामिल भी होती है, गवर्नमेंट भी रन करती है। ओके, देखो तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इनफॉर्मल और फॉर्मल। देखो इनफॉर्मल कहने का मतलब कि तुम्हारा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट आती है, इसके पास कुछ रूल रेगुलेशन नहीं, डायरेक्टली कुछ नहीं करती, इसके पास रूल रेगुलेशन कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसके तहत ये चलती है एक पॉलिटिकल पार्टीज। ये जब एक पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर है, इसमें तुम बहुत अच्छे से पॉलिटिकल पार्टीज को समझोगे भी। ओके, तो यहाँ तुम ये समझो कि ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, इसका कभी भी उत्तेजित या वायलेंट हो सकता है, इसका हो सकता है कुछ ज़्यादा मेजर रूल एंड रेगुलेशन ना हो आपके, तो ये इनफॉर्मल है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ये है। देखो अब एग्जांपल की बात करते हैं, देखो एग्जांपल में प्रेशर ग्रुप में क्या आते हैं, लॉयर एसोसिएशन आता है, टीचर एसोसिएशन। देखो कभी कभी हमने देखा था कि हाई दिल्ली में क्या हुआ था, जजेस हड़ताल पर चले गए थे, तो उनका एक एसोसिएशन होता है टीचर भी। अगर बिहार की भी बात करें प्रेजेंट की, तो जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी क्या करते हैं, हड़ताल पर चले गए थे, किस लिए, तो उनकी पेमेंट की अगर इंक्रीजमेंट को लेकर, तो क्या था उनका, वो एक तरह से प्रेशर ग्रुप है, वो क्या है, प्रेशर ग्रुप है, गवर्नमेंट पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हो कि बढ़ावा दे रहे हैं, उत्तेजित भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट प्रेशर डाल रहे हैं, तो प्रेशर ग्रुप। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, बीजेपी, एनसीपी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, ये सब। यहाँ एक पॉइंट में याद आएगा कि मैंने कांग्रेस नहीं लिखा है, तो ऐड कर लेना, या बोलोगे तो ऐड कर देता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। ओके, हो गया, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी, एनसीपी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी और एक्सेट्रा, और भी पार्टीज हैं आपको। तो ये देखो, ये फाइनल हुआ, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कंप्लीट हुआ कि नहीं, देखो एक बार, आज मैं रिकॉल नहीं करूंगा, एक बार तुम अपने आईज को क्लोज करो और अच्छे से
रिकॉल कर लो, अच्छे से रिकॉल करो, बहुत इजी है, कोई कुछ नहीं नया, ये दोनों है, तो मैंने इसको क्लियर भी कर दिया, जिससे तुम्हारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि पावर हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप के भी फॉर्म में शेयर करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्म में भी शेयर करते हैं और प्रेशर ग्रुप में भी करते हैं। ओके, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, दोनों का मैंने डिफरेंसेस बता दिया, अच्छे से कर लो, लिख कर लो, और कुछ नहीं, बस लिख कर करो अच्छे से, और कुछ नहीं, चैप्टर इज फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें हम अच्छे से एक तरह से लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को देखेंगे। फेडरलिज्म में तुम इतना जान लो कि फेडरल, इसको फेडरल भी बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, तो फेडरलिज्म हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट को ही पढ़ेंगे, यानी डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट को स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ ये आपका चैप्टर फुल्ली फिनिश हो चुका है, फुल्ली। कोई डाउट्स है तो कमेंट करना, और मैं, डाउट्स होंगे तो कमेंट करना, अगर कुछ तुम्हें नोट्स चाहिए आपको या कुछ सजेशन देना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहाँ से भी तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ देखो मैंने कुछ लिखा है, लाइक सब्सक्राइब, तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, तो ये भी फॉलो करना थोड़ा, ठीक है, ये भी करना, और थैंक यू। यहाँ देखो थैंक यू, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मीट अगेन नेक्स्ट चैप्टर, हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से मिलेंगे, और नया टॉपिक होगा और न्यू एनर्जी होगा, उसके साथ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नो टेंशन, बस एक बार लिख कर करना, और ये ऑफकोर्स करना थोड़ा, ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक शेयर, तुम्हें पता ही होगा, मुझे अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छे से वेल नोन हो इस सब चीज़ के लिए। ओके, तो बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ, एक बार इसको देख लो अच्छे से, कर लो, बाय। ओके।